हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर साइंस में लेसन नंबर 4 क्लास 7 का स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर का नेम है हीट एंड टेम्परेचर, यानी कि ऊष्मा एवं तापमान। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग नोट कर लीजिए आप लोग इसे। आई होप कि आप लोग नोट कर लिया होगा। अब हम लोग आगे अपने नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसको क्लीन कर देते हैं। सबसे पहले जिसमें हम लोग समझेंगे कि हीट क्या होता है। सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा कि व्हाट इज द हीट। सबसे फर्स्ट में डालेंगे हीट, यानी कि उष्मा। तो आप सब लोग नोट करेंगे हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल। ठीक है, इसका यूनिट होता है कैलोरी, CL, जूल, जे एंड अर्ज। देखो हीट क्या है, जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग को कुछ काम करने के लिए, कुछ चीज को करने के लिए हम लोग को किस चीज का जरूरत होता है, एनर्जी का जरूरत होता है। हम लोग एनर्जी कहां से लेते हैं, फूड वगैरह से लेते हैं और हीट से भी लेते हैं, उष्मा से भी हम लोग को एनर्जी मिलता है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट जो है एक ऊर्जा का एक रूप है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, विच इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। अगर मान के चलो हीट नहीं रहा, उष्मा नहीं रहा, हीट होता क्या है? हीट देखो कोल्ड या फिर हॉट दोनों हो सकता है। अगर बहुत कम हीट है इसका मतलब वो कोल्ड है, बहुत ज्यादा हीट है इसका मतलब वो हॉट है। ठीक है, उसी तरह से हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो एक ऊर्जा का एक रूप है जो कि हम लोग को सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए जरूरी होता है। अगर हीट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस अपना प्लांट जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, सनलाइट से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। ठीक, मतलब सन जब हीट ही नहीं देगा, सनलाइट ही नहीं देगा, तो वो फोटोसिंथेसिस किस तरह से करेगा? अब वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो हम लोग खाना कहां से लेंगे? ठीक, उसी तरह से ये जो होता है एसेंशियल होता है हम लोग के लिए सर्वाइवल के लिए। तो इसको नापने के लिए, जैसे कि देखो मास वेट यानी कि वजन वगैरह को नापने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, केजी का। उसी तरह से हीट को नापने के लिए हम लोग यूज किया जाता है कैलोरी, जूल और अर्ज का। ठीक है, कैलोरी, जूल या फिर अर्ज। अब हम लोग हीट तो समझ गए। अब सेकेंड है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? सेकेंड ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, व्हाट इज द टेम्परेचर? हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। टेम्परेचर क्या है? इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ठीक है, इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। इसका यूनिट है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ठीक है, देखो टेम्परेचर क्या होता है, जैसे कि अभी हम हीट के बारे में बात बोले तो कोई भी बॉडी में या तो वो कोल्ड होगा या तो वो हीट होगा, हॉट होगा। ठीक, वो किस कारण से? हीट के कारण से। अगर उसमें हीट बहुत ज्यादा है इसका मतलब वो गर्म बॉडी है। ठीक है, हॉट है वो। अगर उसमें बहुत कम है इसका मतलब वो कोल्ड बॉडी है, यानी कि वो ठंडा है। ठीक है, तो उसी तरह से टेम्परेचर क्या करता है, वो कितना गर्म है और कितना ठंडा है उसको बताता है टेम्परेचर। समझ आया? यानी कि मान के चलो ये मार्कर है,
ठीक। अगर हम मानकर इसे इसको बोले कि ये कितना गर्म है, ठीक, हाउ इट इज हॉट, यानी कि कितना गर्म या फिर कितना ठंडा है, ठीक, इसको नापने का जो तरीका होगा वो टेम्परेचर के हिसाब से होगा, वो डिग्री होगा, ठीक। अगर हम बोले कि ये 5 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस ये हॉट है, ठीक, यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस ये गर्म है, ठीक। तो 40 डिग्री सेल्सियस क्या है, इसका डिग्री है, हॉटनेस का डिग्री, अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा, हॉटनेस का डिग्री कितना गर्म है, 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसी तरह से फारेनहाइट में भी हो सकता है, केल्विन में भी हो सकता है, अगर हम बोले कि 40 केल्विन ये गर्म है, 40 डिग्री फारेनहाइट है, 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक, सबका वैल्यू अलग अलग होगा, समझ में आया। टेम्परेचर क्या है, हीट क्या है, हीट जो है, अगर किसी बॉडी में हीट बहुत ज्यादा है इसका मतलब वो बॉडी गर्म है, अगर उसमें बहुत कम इसका मतलब बॉडी वो ठंडा है, ठीक है। और उसी को नापने के लिए वो कितना गर्म है और कितना ठंडा है उसको नापने के, उसको कहते हैं टेम्परेचर, उसका डिग्री को टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। अगर हम बोले कि इस रॉड का, मान लो ये रॉड है जिस जो कि है 60 डिग्री सेल्सियस गर्म है, ठीक है, हम बोले कि इसका टेम्परेचर क्या है, तुम्हें क्या बोलेगा, 60 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज इट्स टेम्परेचर, 60 डिग्री सेल्सियस। अब अगर बोले कि फारेनहाइट में बताओ, ये जो 60 डिग्री सेल्सियस में तुम बोल रहा है वो फारेनहाइट में बताओ, फारेनहाइट में किस तरह से निकालेंगे, जैसे कि हम बोले कि एक मीटर कपड़ा है उसको फीट में बताओ, एक मीटर कपड़ा को फीट में बताओ, लगभग 3 फीट बोलेगा सर, उसी तरह से 60 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फारेनहाइट में बताओ। जैसे कि अगर हम बोले कि रुपीज है, 1 रुपया है, तो उसको पैसा में कितना कहेंगे, 100 पैसा, ठीक है। उसी तरह से 60 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कहेंगे, तो ये सब अलग अलग यूनिट होता है। इसको बदलने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूला है। सबसे पहले एक और बात नोट कर लो, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस एंड 98.6 डिग्री फारेनहाइट, अंडरस्टैंड। देखो जो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फारेनहाइट, अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है। जैसे कि अगर हम बोले कि हमारा बॉडी टेम्परेचर, मान चलो एक पेड़ है उसका दाम है 1 रुपया या फिर 100 पैसा, बात तो बराबर ही पड़ा, 100 पैसा या फिर 1 रुपया, जो तुम करना चाहो, उसी 37 डिग्री सेल्सियस और 58.6 डिग्री फारेनहाइट जो भी करना चाहता है वो कहो, दोनों बराबर है, ठीक है। ये होता है बॉडी का टेम्परेचर हमारा। अब हम लोग बात करते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में अगर बदलना हो या फिर केल्विन में अगर बदलना हो तो किस तरह से बदलेंगे, इसका कुछ फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला सब लोग नोट करेंगे, यहां पर लिखेंगे स्केल, यहां पे फॉर्मूला डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15, डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू 9 डिग्री सेल्सियस बटे 5 प्लस 32 एंड केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, अंडरस्टैंड। ये फॉर्मूला है, अगर डिग्री सेल्सियस में अगर आपको निकालना है और केल्विन दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला भी यूज कर दो, केल्विन में से इतना माइनस कर दो डिग्री सेल्सियस निकलेगा, डिग्री फारेनहाइट में अगर निकालना है और डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो इस तरह से यूज कर लो, अगर केल्विन निकालना और डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, समझ आया सबको। ये फॉर्मूला पे बेस, जैसे अगर हम बोले कि 37 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में बदल के दिखाओ, 37 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में बदल के दिखाओ, तो फारेनहाइट का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला फारेनहाइट का, F इज इक्वल टू 9 डिग्री सेल्सियस प्लस 32/5, ये फॉर्मूला यूज कर दो। डिग्री सेल्सियस कितना हो रहा है, 37, 9 इंटू 37 बाई 5 प्लस 32, ठीक है, इंटू कर देंगे 5, 7 35, 2, 5 4 20, और 9 इंटू 7.4, 100 कर देते, सोचे 100 कर देते, 37 यानी कि 9 इंटू 37
पाई 5 प्लस 32 ठीक है 9 को इंटू करो 7 9 का 63 एंड का 6 9 का 27 और 6 33 पाई 5 मतलब इसका एलसीएम कितना 5 2 10 एंड मेरा आ 5 15 1 60 3 9 4 पाई 5 किसी को भी किसी का यूनिट में चेंज कर सकते हैं ठीक है। टेम्परेचर समझ में आया गया, हीट समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं थर्मोमीटर। अब हम लोग बात करेंगे थर्मोमीटर कि जैसे देखो हम लोग बोलेंगे हीट, अगर किसी बॉडी का अगर हीट को नापना हो यानी वो ठंडा है कि गर्म है, उसका टेम्परेचर को अगर नापना हो तो किस चीज का यूज करते हैं, किस डिवाइस का यूज करते हैं ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे। ये बहुत कॉमन डिवाइस है, सब लोगों ने सुन रखा होगा। डिवाइस का नेम है थर्मोमीटर, यानी कि टेम्परेचर को नापने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है, थर्मोमीटर का। हम लोग स्टडी करते हैं थर्मोमीटर। थर्मोमीटर अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। ये एक तरह का डिवाइस होता है जो कि बॉडी का टेम्परेचर को नापने में काम आता है ठीक है। देखो थर्मोमीटर अलग अलग तरह के होते हैं, डिजिटल थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर ठीक है, अलग अलग तरह का थर्मोमीटर होता है। थर्मोमीटर को खोजने वाले कौन थे, गैब्रियल थर्मोमीटर, मरकरी थर्मोमीटर जो हम लोग यूज करते हैं, यानी क्लिनिकल जो थर्मोमीटर होता है उसको कहते हैं मरकरी थर्मोमीटर ठीक है, बाई गैब्रियल फारेनहाइट ठीक है। 1909 ये हो गया मरकरी थर्मोमीटर जो हम लोग यूज करते हैं। थर्मोमीटर क्या है, टेम्परेचर को नापने का एक तरीका है। टेम्परेचर क्या है, कितना बॉडी गर्म है कितना बॉडी ठंडा है वो उसका डिग्री को बताता है ठीक है। हेलो बात करते हैं कि किस तरह से इसको चेक किया जाता है, थर्मोमीटर किस तरह से देखा जाता है। देखो थर्मोमीटर दो तरह के होते हैं, एक होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, एक होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर ठीक है। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है, ये बात को सुनो कि थर्मोमीटर किस तरह से चेक किया जाता है, कैसे डॉक्टर लोग देखता है थर्मोमीटर को। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसमें मरकरी होता है ठीक। जब मरकरी देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो उसको इस तरह से उसको झाड़ना है, इसलिए क्योंकि देखो उसमें जो जितना भी पहले से जो पारा रहेगा यानी मरकरी जो रहेगा जो हायर लेवल पे होगा, यानी कि किसी का अगर टेम्परेचर नापा जाओगा उससे तो वो हायर लेवल पे होगा ठीक है। उसको पहले नॉर्मल लेवल पे लाया जाएगा, फिर नॉर्मल लेवल के बाद उसको शरीर में लगाना है, फिर शरीर में लगाने के बाद उसको जब निकाला जाएगा तो देख उसमें देखा देखना जब मरकरी को इस तरह से बगल में किया जाएगा तो उसमें ग्रेइश कलर का कुछ दिखेगा ठीक है, यानी ग्रे कलर का डार्क डार्क दिखेगा। तो जो सबसे लास्ट पॉइंट होगा उस ग्रे कलर का वही मरकरी यानी वही तुम्हारा टेम्परेचर होगा। अंडरस्टैंड समझ आया सबको, मरकरी लेवल जो था वो धीरे धीरे बढ़ता है क्योंकि मरकरी का जो प्रॉपर्टी होता है वो टेम्परेचर देने पे वो बढ़ता है ठीक है। तो उसी तरह उसको जब टेम्परेचर मिलता है वो धीरे धीरे बढ़ते 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 वो लास्ट पॉइंट पर चल जाता है जितना ज्यादा उसका बॉडी का टेम्परेचर हो। अंडरस्टैंड इस तरह से क्लिनिकल थर्मोमीटर को देखा जाता है। और आप लोग जो बुक में जो थ्योरी है उसको ठीक से पढ़िएगा, आप लोग बहुत बढ़िया समझ में आएगा ठीक है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर का सॉल्यूशंस का हीट वगैरह नापने के लिए यूज किया जाता है। अब देखो अगर हाई टेम्परेचर को नापना है, अगर बहुत ज्यादा गर्म चीज है तो उसको नापने के लिए आता है बोलोमीटर ठीक है, या फिर स्ट्रिप मीटर। स्ट्रिप मीटर बॉडी का टेम्परेचर जो बहुत ज्यादा है उसको नापने के लिए होता है, और बोलोमीटर जो किसी सॉल्यूशन वगैरह किसी सब्सटेंस का अगर हीट नापना है जो कि बहुत ज्यादा 1000 डिग्री सेल्सियस 2000 डिग्री सेल्सियस तो उसको नापा जाता है बोलोमीटर से, उस समय थर्मोमीटर का यूज नहीं कर सकते हम लोग। अंडरस्टैंड
अब आते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट, ये हो गया अब हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसफर ऑफ हीट, फोर्थ टॉपिक ट्रांसफर ऑफ हीट यानी कि उष्मा का स्थानांतरण, ठीक है, फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी एंड बोथ आर सेम, दीज आर डन फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी अंटिल बोथ बिकम्स सेम। मेथड्स ऑफ ट्रांसफर इज कॉल्ड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। देखो ट्रांसफर हीट, जैसे कभी हम बोले कि हीट क्या होता है, हीट होता है किसी बॉडी का गर्मी या फिर ठंडा। अब उस हीट का ट्रांसफर यानी कि एक गर्म बॉडी है, जैसे कि देखा होगा जब बकेट है, अब बकेट में अगर ठंडा पानी है और उसमें अगर गर्म पानी मिलाते हैं तो वो गर्म हो जाता है, अंडरस्टैंड, ठीक। वो मात्रा पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। उसी तरह से तो जो ट्रांसफर है यानी कि एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि देखो अगर किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि मान चलो कहीं पे आग जलाएं और उस आग में एक आयरन पकड़ के, लोहा पकड़ के अगर हम खड़ा है, ठीक, उस आग में डाल के उसको, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे पूरा जो आयरन होगा, लोहा जो होगा, वो गर्म हो जाएगा और फिर तुम्हारा हाथ को भी गर्म कर देगा और तुमको हटाना पड़ेगा वहां से हाथ, ठीक। तो ये क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हुआ, क्यों गर्म हो गया, उसमें तो आग में तो हम टच नहीं किए, तो आखिर क्यों गर्म हो गया, रॉड टच था, मेरा हाथ थोड़ा टच था उस आग में, तो फिर कैसे हुआ, तो उसको हम लोग अभी समझेंगे। उसी को कहते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी कि उस आग से इस पूरा रॉड में हीट का ट्रांसफर हो गया, ठीक है, क्योंकि ये हीट जो था ठंडा था और वो गर्म था, तो गर्म से ठंडा की तरफ वो बढ़ गया और जब दोनों बराबर हो गया तो फिर गर्म होना ये बंद हो गया, यानी कि ये और ये दोनों हीट में बराबर आ जाएगा, अंडरस्टैंड। तो ट्रांसफर ऑफ हीट जो होता है, जो मेथड होता है, तरीका होता है, तीन तरीका होता है ट्रांसफर ऑफ हीट का, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है, तीन तरीका होता है, क्या क्या, सबसे पहला होगा कंडक्शन, ठीक है, जिसको कहते हैं संवहन। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि यह होता क्या है, तो ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर बाय डायरेक्ट मेथड। और एक और इसमें पॉइंट आता है, एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू कंडक्ट हीट कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। फिर सेकेंड आता है हमारा कन्वेक्शन, यानी कि संवहन, मॉलिक्यूल्स देमसेल्व्स कैरी एनर्जी फ्रॉम अ हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन, अंडरस्टैंड, फ्रॉम हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन। अब देखो हमने ट्रांसफर ऑफ हीट का तीन तरीका है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो सबसे पहले तो कंडक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो कंडक्शन क्या होता है, एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल तक हीट का जाना डायरेक्ट मेथड से, उसको कहते हैं कंडक्शन।
ठीक है, जैसे कि मान के चलो ये दो मार्कर है, ठीक है, अब इसमें कि ये मार्कर जो है वो गर्म है और ये मार्कर ठंडा, ठीक। अब ये मार्कर को जब इस मार्कर के साथ टच करेंगे तो क्या होगा, जब थोड़ा टाइम बीतेगा, एक सेकंड, दो सेकंड, एक मिनट, दो मिनट, तीन मिनट, तब क्या होगा, धीरे धीरे ये जो मार्कर है वो गर्म होने लगेगा, ठीक है, ये ठंडा था लेकिन धीरे धीरे गर्म होने लगा। अब ये गर्म क्यों हो रहा है, क्योंकि हम इसको वाटर बॉडी में टच कर रहे हैं इसलिए गर्म हो रहा है। तो ये जो प्रक्रिया होता है, ये जो प्रोसेस होता है, इसको कंडक्शन कहते हैं। अब देखो इसको, इस कंडक्शन को तुम लोग बहुत ज्यादा देख सकते हैं, जैसे कि कहीं पे आग वगैरह सेकते हैं, अगर उसमें से लोहा वगैरह टच करते हैं आग में तो वो गर्म हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर मान चलो कोई चीज बनाया जा रहा है, अगर उसमें से स्पून को, चम्मच को उसी में अगर छोड़ दिया जाए तो थोड़ा देर बाद वो गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है वाटर बॉडी के साथ, ठीक है, इसलिए वो गर्म हो जा रहा है, ठीक है। तो इसमें किस तरह से क्या प्रोसीजर हुआ अंदर में, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मान के चलो ये एक मार्कर है, ठीक। अब इसके अंदर पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, सबको पता है मॉलिक्यूल्स होता है इसके अंदर, और ये गर्म मार्कर यानी कि ये है वाटर और ये है कोल्डर। अब जब दोनों का आपस में टच किया जाएगा तो इसका जो पार्टिकल्स होता है यानी गर्म करने पर क्या होता है, इसका पार्टिकल्स किस तरह से मूव कर रहा होगा, वाइब्रेट कर रहा होगा, अपना जगह को नहीं छोड़ेगा, यानी अपना जगह से जाएगा नहीं, बस इस तरह से इसे से वाइब्रेट करते रहेगा, ठीक है। उसी तरह से जितना भी पार्टिकल्स होगा इसके अंदर, जितना भी पार्टिकल्स होगा सबके सब वाइब्रेशन पे होगा, बहुत तेजी में वाइब्रेशन कर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि उसको हीट दिया गया है, काइनेटिक एनर्जी दिया गया है। अब ये जब वाइब्रेशन में होगा तो जब इस बॉडी को इसके साथ टच किया जाएगा तो ये वाइब्रेशन के साथ क्या करेगा, इसका जो मॉलिक्यूल्स होगा उसको भी टच कर देगा, उसको भी धक्का मारेगा, तो फिर उसका जो मॉलिक्यूल्स है ये जो है वो फिर ऐसे वाइब्रेट करने लगेगा, फिर ये इसको टच करके ये वाइब्रेट, फिर पूरा बॉडी फिर से वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा, ठीक। और ये जब पूरा बॉडी फिर से वाइब्रेट करना जब शुरू कर जाएगा तब ये बॉडी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अंडरस्टैंड, प्रोसीजर समझ में आया? तो ये होता है कंडक्शन, ठीक है। और किसी सब्सटेंस का जो एबिलिटी होता है यानी कितना कंडक्ट कर सकता है वो हीट को, वो उसका थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कन्वेक्शन में। अब देखो इसमें हम लोग क्या बात की है कि मॉलिक्यूल्स अपना जगह को नहीं छोड़ेगा, सिर्फ अपना जगह पे एक ऐसे सिर्फ क्या करेगा, वाइब्रेशन करेगा। लेकिन कन्वेक्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होता है एनर्जी को लेकर जाता है, ठीक है। जैसे कि देखो अगर हम बोले ये ऊपर हम लोग बनाने जाएगा, ये ऊपर क्लीन कर देते हैं, एग्जाम्पल में है इसका फॉर्मेशन ऑफ सी ब्रिज, फॉर्मेशन ऑफ सी ब्रिज, वाटर, लैंड, कूल एयर फ्रॉम सी, लैंड ब्रिज, वाटर, लैंड, देखो क्या हो रहा है, हम बोले कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो खुद ब खुद ट्रैवल करेगा, किसी को वाइब्रेट नहीं करेगा। इसमें सी ब्रिज में क्या हो रहा है, यहाँ पे जब गर्म हुआ यह बॉडी और इधर जब ठंडा था तो इसमें से एयर जो है, हवा जो है, गर्म हवा जो है यहाँ से गया इसके पास, सी के पास, समुद्र के पास, ठीक है, और ये गया यहाँ से इसका ठंडा हवा, समुद्र का ठंडा हवा गया लैंड ब्रिज, इसको कहते हैं सी ब्रिज, यानी कि जो हवा वगैरह चलता है उसको सी ब्रिज, ये सी ब्रिज हो गया। लैंड ब्रिज में क्या होता है, जब पानी ये नाइट में होता है और ये डे में, ठीक, डे में क्या होता है, लैंड गर्म होता है सूर्य की रोशनी से और नाइट में क्या होता है, ये ठंडा और ये गर्म हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, वाटर में से जो
वार्म एयर निकलता है ठीक है और लैंड में से कूल एयर निकलता है और ये पहुंचता है सी के पास और यही प्रोसीजर पूरा चलते रहता है ठीक है। इसमें क्या हो रहा है एयर अपने खुद ब खुद जा रहा है, किसी पार्टिकल्स को नहीं बोल रहा है वाइब्रेट करने के लिए, ये आप खुद ब खुद ट्रेवल कर रहा है, खुद ब खुद हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन की तरफ जा रहा है। अंडरस्टैंड, इस फिगर को आप लोग अपना बुक से देख कर कॉपी में बनाएंगे ठीक है। अब हम लोग आते हैं थर्ड टाइप यानी कि थर्ड मोड ऑफ क्या है, थर्ड मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट पे जो कि है रेडिएशन। देखो हम लोग कंडक्शन में क्या बात की है, कंडक्शन में बात की कि मॉलिक्यूल्स अपना जगह को नहीं छोड़ता, अपने जगह पे वाइब्रेट करता है मॉलिक्यूल्स। फिर कन्वेक्शन में बात किया मॉलिक्यूल्स अपने जगह से दूसरे जगह पे जाता है, लेकिन रेडिएशन में क्या होगा इसमें किसी भी तरह का मॉलिक्यूल्स का जरूरत नहीं पड़ता यानी कि किसी भी तरह का मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है। अंडरस्टैंड, थर्ड का डिफिनेशन होगा रेडिएशन यानी कि विकिरण नॉट नीड मीडियम टू ट्रांसफर हीट, यानी हीट को ट्रांसफर के लिए कोई भी मीडियम नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल में देखें सन फ्रॉम सन वी गॉट हीट रेडिएशन। देखो यानी कि वैसा मीडियम यानी कि वैसा हीट का ट्रांसफर जिसमें किसी भी मीडियम का जरूरत नहीं हो उसको रेडिएशन कहते हैं। जैसे कि मान चलो कहीं पे आग जलाया जाए और उसमें हम लोग जब हाथ जब रखते हैं तो उसमें हम लोग का जो हाथ है वो गर्म लगता है कि नहीं। अब वो गर्म क्यों लग रहा है, हीट कैसे ट्रांसफर हो रहा है, अब वो जो हीट है वो रेडिएशन का रूप में हम लोग के पास आ रहा है ठीक। जैसे सन है, सन का हीट हम लोग के पास आता है, क्यों सन का हीट हम लोग के पास रेडिएशन का रूप में आ रहा है, कन्वेक्शन नहीं कंडक्शन। अंडरस्टैंड, उसको कहते हैं रेडिएशन। हाथ ताप आग ताप रहे हम लोग यानी कहीं पे आग जल रहा है उसको हम लोग हाथ लगाए वहां पे ताप रहे हैं तो वो हीट उतना दूर मेरा हैंड इतना दूर फिर भी हमको आग लगा रहा है ठीक, यानी आग का जो ताप है टेम्परेचर है वो हमको महसूस हो रहा है ठीक है, क्यों रेडिएशन के कारण। समझ आ गया तीनों प्रोसीजर। अब उसके बाद कुछ दो पॉइंट है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक है कंडक्टर, एक इंसुलेटर। व्हाट इज द कंडक्टर एंड इंसुलेटर, फिफ्थ हमारा मास्टर चेंज कर लेते हैं। कंडक्टर यानी कि सुचालक सब्सटेंस विच अलाउ मटेरियल्स या फिर सब्सटेंस विच अलाउ हीट टू ट्रांसफर इज कॉल्ड कंडक्टर। एग्जाम्पल आयरन एल्यूमिनियम इटीसी इंसुलेटर which does not allow flow of heat, transfer of heat. ठीक है वो हीट मतलब उसका प्रॉपर्टी नहीं होता हीट होने का, उसको इंसुलेटर कहेंगे। कंडक्टर जो हीट हो जाए, जैसे कि अगर मान लो रॉड वगैरह को लोहा वगैरह को देखते हैं तो वो हीट में जाता है गर्म हो जाता है क्योंकि वो एक कंडक्टर है। कंडक्टर उसको कहते हैं जो कि हीट को ट्रांसफर करे और इंसुलेटर उसको कहते हैं जो कि हीट को ट्रांसफर नहीं करे। अब देखो एक क्वेश्चन आता है कि बताओ थर्मस जो होता है उसमें जो चीज जैसा डालते हैं वैसा ही क्यों रहता है।
अगर ठंडा डालेंगे तो ठंडा और गर्म डालेंगे तो गर्म, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखो थर्मस का हम सबसे पहले तो उसका बनावट देखते किस तरह का होता है। थर्मोफ्लास्क देखो ये है, थर्मस देखो ये है वाटर, दिस इज कंटेनर, दिस इज एयर सील्ड कैप, वैक्यूम। ये जो थर्मोस है आप लोग का बुक में जो फिगर है उसको देख के से बनाएंगे और इस तरह से लेबलिंग करेंगे। देखो थर्मोस में किसे भी गर्म हो जाता है, सबसे पहला कारण यह है कि उसका जो कैप होता है वो बहुत बढ़िया से सील्ड होता है, ठीक है, यानी उसको जब बंद करेंगे तो इतना तरह से अच्छा से बंद हो जाता है उसमें से एयर नहीं जा सकता अंदर। कंटेनर जो होता है उसमें क्या होता है, एक बाहरी लेयर होता है और फिर एक अंदर का लेयर होता है, और वो दोनों लेयर के बीच में वैक्यूम होता है, यानी ना ही उसमें एयर वगैरह कुछ नहीं होता, यानी कि हीट ट्रांसफर का कोई अथी नहीं बन सकता, कोई वे ही नहीं है हीट ट्रांसफर का, जिसके कारण यह हमेशा गर्म का गर्म रहता है, ठंडा का ठंडा रहता है, ठीक है। ये कंटेनर यानी कंटे देखो थर्मस इतना बड़ा है लेकिन रखने का जगह इसे इतना ही है। सब लोग महसूस किया होगा कि थर्मस उतना बड़ा रहता है लेकिन जगह उसमें बहुत कम रहता है, इसलिए क्योंकि बीच में वैक्यूम दिया जाता है, बीच में जगह दिया जाता है। वैक्यूम का मतलब ना ही यहाँ पे कुछ मटेरियल नहीं होगा, खाली जगह होगा, ठीक है, समझ आ गया। इसके साथ आप लोगों का ये चैप्टर समाप्त होता है। जो जो डायग्राम बोले हैं उसको सब लोग प्रैक्टिस करेगा उस डायग्राम को, और जहां पे बोले हैं उस डायग्राम को उस जगह पे बना लेगा कॉपी में बुक को देखकर, ठीक है। एक जब हो जाएगा आप लोग का, रिवाइज नोट्स सेकंड में, मेक ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड ठीक है। तो इसके साथ आप लोग का चैप्टर समाप्त होता है, ये जब आप लोग कर लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।